हेलो दोस्तों, मैं अलक्षित तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज आपको मैं एक बात बताने वाला हूं। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर जैसे हमारी बॉडी में कुछ चल रहा है, मतलब कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई भी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मान लो या कार्डियो कर रहे हैं, तो अगर हमें पता होगा कि हमारी बॉडी में ये मसल काम कर रही है, उसी को माइंड मसल कनेक्शन भी बोला जाता है। जैसे अगर हम बाइसेप्स कर रहे हैं और हमें पता होगा कि हाँ बाइसेप्स करेंगे तो ये मसल हमारी हिट हो रही है, तो हमारी जो मसल का स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब जो सारे आउटपुट होंगे वो बढ़ जाते हैं अगर हमें पता हो अंदर का प्रोसेस क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, आपने कई लोगों को देखा होगा अपने जिम में, मैंने भी देखा है कि कुछ लोग आते हैं वो ट्रेडमिल पर चढ़ जाते हैं, रनिंग करते हैं, स्लो रनिंग, फास्ट रनिंग, रनिंग करते रहते हैं, कार्डियो करते रहते हैं और भी कई तरीके कार्डियो करते हैं और जिम से निकल जाते हैं। आपने उनको कई बार, कुछ तो ऐसे होते हैं कभी वेट नहीं लेते, कभी वेट ट्रेनिंग करते ही नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, कार्डियो करा निकल गए। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो जो मिसकंसेप्शन है वो ख़त्म करना होगा। मैंने कई लोगों से ऐसे ऐसे पूछा है जिनसे कि मैं कहा भाई ये तुम वेट ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हो, कार्डियो करते निकल जाते हो। कहते हैं कि पहले हम फैट लॉस तो कर लें, हम वेट ट्रेनिंग बाद में करेंगे, मसल को बाद में ग्रो कर लेंगे, पहले हमारा फैटी लॉस हो जाए, फैट बहुत ज़्यादा है बॉडी पे। पर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कार्डियो करने से ज़्यादा फैट लॉस होता है। आज इसी के बारे में मैं आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ और आपको पता भी चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ पाएगा और आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे इसको जानने के बाद। तो दोस्तों बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो जब हम करते हैं वो लो इंटेंसिटी कार्डियो जो होती है, अब उसमें लो इंटेंसिटी है तो उसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत कम होती है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो जो एनर्जी का हम कंज्यूम करेगी हमारी बॉडी, जो एनर्जी को बर्न करेगी वो भी कम करेगी। तो अगर एनर्जी कम हमारी बॉडी बर्न कर रही है तो फैट भी हमारी बॉडी से कम ही बर्न होगा। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कार्डियो से ज़्यादा फैट लॉस होता है। उसके अंदर जो हमारी खपत है, हमारी कैलोरीज जो हमारी चाहिए वो कम चाहिए तो फैट भी कम बर्न होगा। और उसमें अगर हमारा फैट कोई हमें कैलोरी बर्न भी करनी है, मान लीजिए 10 यूनिट हमें कैलोरी बर्न करनी है, तो उसको अगर किसी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है कोई भी उससे कंपेयर करें तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी कार्डियो। तो कार्डियो में टाइम ज़्यादा लगेगा कुछ कैलोरी को बर्न करने के लिए अगर हम कंपेयर करें किसी हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट के साथ। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग, तो वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं अब। तो वेट ट्रेनिंग के अंदर जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है हमारे वर्कआउट की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो जो हमें एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए वो भी ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी बर्न करेगी तो उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी से फैट बर्न होगा। तो यहाँ पे कार्डियो को आराम से लीड कर देता है कि जो इसमें कैलोरी बर्न है वो कार्डियो से काफ़ी ज़्यादा होती है जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। और आपको मैं थोड़ा टेक्निकल तरीके से बताऊं, तो जब हम वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में मसल फाइबर होते हैं, तो सेकेंड टाइप का मसल फाइबर जो होता है Type 2 मसल फाइबर, वो हमारी वेट ट्रेनिंग में यूज़ होता है, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होता है Type 1 मसल फाइबर के। और Type 1 मसल फाइबर जो होता है वो कार्डियो में यूज़ होता है। तो जो हमारा बड़ा मसल ग्रुप, बड़ा मसल फाइबर यूज़ होगा तो कैलोरी वो ज़्यादा कंज्यूम करता है और ज़्यादा ही हमारा फैट बर्न होता है। और दोस्तों आपने ईपॉक के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर आपने ईपॉक के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको अभी सुना देता हूँ। ईपॉक होता है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। इसके अंदर क्या होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं या कोई कार्डियो करते हैं तो जब वर्कआउट कर रहे हैं उसके दौरान जो हमारी कैलोरी बर्न हो रही है वो तो हो ही रही है, बट जो हम रात को क्या कहते हैं सोते हैं, बाद में उसकी रेस्ट करते हैं, तो 16 से 48 घंटे तक जो हमारा रेस्ट पीरियड होता है उसके अंदर भी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती है। और वहाँ पे जो हमारी कैलोरी बर्न होती है वो 80% अराउंड ऑफ 80% हमारी फैट से बर्न होती है, मतलब फैट एज अ एनर्जी यूज होता है उस पीरियड में, जो 16 से 48 घंटे का पीरियड है हमारी वर्कआउट के बाद। और अगर बात करें हमारे वेट ट्रेनिंग में जो ईपॉक का सेशन होता है उसके अंदर 33 to 35% ज़्यादा कैलोरी बर्न होती हैं हमारी कार्डियो के मुकाबले। तो अगर हम बात करें वर्कआउट के दौरान, तब हमारे जो वेट ट्रेनिंग है उससे फैट ज़्यादा बर्न हो रहा है, और बात करें वर्कआउट के करने के बाद जो ईपॉक वाला हमारा टाइम है उसके अंदर भी हमारा वर्कआउट से ही अगर हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तभी हमारा ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है। तो कार्डियो यहाँ पे भी पीछे रह गया, वेट ट्रेनिंग लीड कर रहा है। और दोस्तों अगर हमने मान भी लिया कि कार्डियो करने से आपका फैट बर्न हुआ, आपका वेट कम हो गया, तो आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई मेरा यार मैंने कार्डियो करा, इतने दिन इतनी रनिंग करी, 5-5 किलोमीटर की, 10-10 किलोमीटर की रनिंग करी है, यार मेरा वेट कम हो गया, पर पता नहीं बॉडी में टोनिंग नहीं आ रही है, मेरी बॉडी लूज़ फील करती है, मतलब लूज़ लगती है,
तो होता क्या है, हमारी बॉडी से मसल भी गायब होती है, मसल भी हमारी बॉडी खा रही है, मसल बर्न हो रही है, तो वो भी बिल्कुल गलत चीज़ है। आपकी मसल जा रही है वो बिल्कुल ख़राब है। और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल तो ग्रो करेगी, और इतना तो है कि जब आपके फ्रेम पे ज़्यादा मसल होगी, ज़्यादा मसल मतलब ज़्यादा आपकी एनर्जी, बॉडी को एनर्जी चाहिए उन मसल को काम कराने के लिए, तो ज़्यादा आपकी मसल काम करेंगी तो उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए, और वो आएगी कहाँ से, फैट से आएगी, कार्ब से आएगी। तो आपके कार्ब्स एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद तो आपके फैट ही बर्न होगा, तो ज़्यादा अगर मसल आपके फ्रेम पे होगी तो भी ज़्यादा आपका फैट बर्न होगा। तो अगर आप कार्डियो करते हैं तो आपका मसल भी जा रहा है, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर से बोले जा रहा है कि एक्सरसाइज करो, वेट ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे ज़्यादा फैट बर्न हो। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी होगी जिसमें आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब ज़्यादा मसल उसके अंदर आपकी एक्टिव हो, ज़्यादा मसल आपकी काम में आए, जिससे कि ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम हो बॉडी, मतलब उस काम को करने के लिए, और ज़्यादा ही आपका फैट बर्न हो। तो उस टाइप की कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज उस टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि आपका क्वाड्स हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, चिन अप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, इस टाइप की जितनी भी आपकी, और मिलिट्री प्रेस आप करते हैं वो भी हो गई। तो जितने भी आपकी इस टाइप की कंपाउंड एक्सरसाइज हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैट बर्न होता है, क्योंकि उनके अंदर सबसे ज़्यादा मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। और मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और फैट लॉस आपका एक गोल है, आपको फैट लॉस भी करना है, तो आपका जो रेप रेंज है वो थोड़ा ज़्यादा रखें, 15 से 20 रेप रेंज रखें, फेलियर तक अपने सेट को करें, कोई भी एक्सरसाइज करें फेलियर तक करें। अगर आप उसे फेलियर तक करेंगे तो होगा क्या, जो आपकी जितने भी मसल ग्रुप हैं, मसल फाइबर है, जैसे टाइप 2 मसल फाइबर जो होते हैं उनके दो टाइप के होते हैं, ए और बी, और टाइप 1 मैंने आपको बताया जो कार्डियो में यूज़ होता है। तो ये तीनों मसल फाइबर जो हैं ये तीनों एक्टिव हो जाएंगे अगर आप फेलियर तक कोई एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जो कार्डियो में यूज़ हो रहे थे मसल फाइबर वो भी आपके यूज़ हो रहे हैं। तो तीनों तरीके के मसल फाइबर आपके जब यूज़ होंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी एनर्जी लगेगी, उतनी ही ज़्यादा बॉडी एनर्जी मांगेगी, तो वो कहाँ से आएगी, फैट से आएगी, तो फैट वहाँ पर भी बर्न होगा। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि फैट बर्न करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्सरसाइज से करो। कार्डियो, अब आप सोच लोगे कि कार्डियो के इतना खिलाफ क्यों हो गया, कार्डियो की बुराई करने जा रहा है, कार्डियो बुरी नहीं है, कार्डियो आपकी एंड्योरेंस बढ़ाती है, आपके जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है उनसे बचाती है, कार्डियो काफ़ी अच्छी है, बट कार्डियो को एक तरीके से करा जाता है। कार्डियो ये नहीं कि आप आए कार्डियो करा और चले गए, यार वो आपको मसल खा रही है, आपकी मसल गिरा रही है, आपकी टोनिंग खत्म हो रही है बॉडी से, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको कार्डियो करनी है, वर्कआउट से पहले थोड़ी सी कार्डियो करें जिससे कि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, वर्कआउट के बाद थोड़ी कार्डियो करें जिससे कि आपका कार्ब्स तो आपके बर्न हो ही चुके हैं वर्कआउट में, तो बाद में आपका फैट भी बर्न हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो कार्डियो करें, वेट ट्रेनिंग के साथ मिला के करें, तो आपके गोल, आपका जो गोल है फैट लॉस का वो भी होगा, और आपकी बॉडी मसल होगी, तो आपकी बॉडी भी अच्छी दिखेगी और आपको फ़ायदा होगा ही मसल बनने से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि आपका गोल अगर फैट लॉस है आपको तो क्या करना है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सुझाव देना है, कोई सजेशन देना है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालिएगा, मैं आपका ज़रूर आंसर करूंगा। और आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ नहीं बताई है इसके बारे में तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आंसर करने वाला हूं आपका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है जल्दी ही, मैं आपको कई और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाने वाला हूँ, कई अच्छी वीडियो आने वाली है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों इसी के साथ चलता हूँ, कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो, जय हिंद।